हेलो वॉइस ऑडिबल है ना? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके ऑडिबल ओके। आपको दो वॉइस सुनाई दे रहा है क्या? आर यू हियरिंग टू वॉइसेस एट द सेम टाइम? ऐसा हो रहा है क्या? देखो तो नहीं है ना। ओके चलिए। सो बायोलॉजी में पढ़ने के लिए देर आर मेनी थिंग्स। वी विल स्टार्ट विथ समथिंग एंड उसके बाद हम लोग आई मीन आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड उसके बाद वी विल स्टडी दिस व्हाट वाज देयर फ्लावर फ्लावर पढ़ेंगे, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ये सब पढ़ना है। ठीक है, सो टुडे वी विल कंप्लीट हाफ पार्ट और रेस्ट हाफ वी विल स्टडी आई थिंक ऑन मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, बिकॉज टुमारो इज संडे, अदरवाइज मैं कल क्लास लेके इसको खत्म कर देता। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनिशियली फर्स्ट किसने किया था? इनका नाम था लिनेउस। ये देखो स्पेलिंग LINNAEUS। सी माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो सम वर्ड्स आई विल टेल विच यू राइट। अभी नोट्स बनाते रहो, ठीक है, बिकॉज आई विल गिव यू द नोट बट माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। सो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे देखो आपको ये क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा। दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ ये, सो सम थिंग्स आई विल टेल यू वेयर माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अरे यार जस्ट वन मिनट, जस्ट वन एक मिनट। ओके, सो लिनेउस ने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे मतलब प्लांट्स और एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। ठीक है, किसने किया था? इट इज इम्पोर्टेंट, लिनेओ, रिमेम्बर द नेम। ओके, LINNAEUS, लिनेओ। लिनेओ को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी। गुड इवनिंग प्रेरणा। लिनेओ को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्लासिफिकेशन। इनिशियली जब बायोलॉजी स्टडी करना स्टार्ट हुआ था तब किसी ने तो क्लासिफाई किया होगा ना ऑर्गेनिजम्स को, तो फर्स्ट टाइम किया था लिनेओ ने। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई किया था? दो चीजों में, टू किंगडम्स में, प्लांटे और एनिमेलिया। उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? व्हाइट टेकर ने। राइट दिस नेम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई व्हाइट टेकर, WHITTAKER। ठीक है, व्हाइट टेकर ने क्लासिफाई किया था किंग एनी ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनका सेल कैसा है, वो क्या खाते हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मतलब जैसे कि वी आर ह्यूमन, सो हमारे पास बहुत सारे सेल्स है। ओके, वी हैव मेनी, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास बहुत सारा सेल्स है। बट कुछ कुछ एनिमल्स है जैसे कि बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है। बैक्टीरिया हैज ओनली वन सेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, हम लोग क्या खाते हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस में व्हाइट टेकर ने क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम में। ठीक है, क्या क्या फाइव किंगडम है ये यहाँ पे है देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया।
प्लेंटे एंड एनिमेलिया पहले से किया हुआ था जो कि लिनियो ने किया था, बट व्हाइट टेकर ने जब क्लासिफाई किया था ही इंक्लूडेड थिंग्स सच एज मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑल्सो। ठीक है, यहां तक यू राइट डाउन व्हाट एवर इज टू बी रिटन, अगर आप नोट्स बना रहे हैं देन राइट डाउन एंड टेल बी डन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हो जाने से डन बोल देना। ओके, ये सेम नोट्स मैं आपको आज दे दूंगा। ठीक है, आज हम लोग सब कवर नहीं करेंगे, व्हाट एवर इज लेफ्ट यू कीप इट विथ यू, वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चलो, तो फर्स्ट जो है क्लासिफाई किया था उसमें पहले आया था मोनेरा। मोनेरा क्या है? मोनेरा एक, ये देखो ये है मोनेरा, इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है, जस्ट वन मिनट आई विल जूम इट फॉर यू। ये देखो अच्छे से डायग्राम को देख लो, दिस इज द मोनेरा। ठीक है, मोनेरा क्या है ये देखो, इसमें होगा आपका क्या क्या पार्ट्स है वो देखने का जरूरत नहीं है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अभी देखो कि क्या है ये, जस्ट सी द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो मोनेरा है इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, मोनेरा जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं है। व्हाट इज न्यूक्लियस आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, देखो बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज, जहां पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हेरिडिटी, जीन्स जब आएगा, ब्लड ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, और मैंने इन सब चीजों में एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, इसको जस्ट मेमोराइज करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो और जिन लोगों ने पहले बायोलॉजी, एनीवन जिसने पहले कभी बायोलॉजी पढ़ा है, ऐसा कोई है क्या जिन्हें बायोलॉजी आगत पूछा? कौन हाथ उठाया? महबूबा और किसी ने हाथ उठाया था? तो जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है आपके लिए इजी होगा बहुत। गुड इवनिंग संदीप, अप टू क्लास 10, 10 अच्छा 10 तक भी चलो ठीक है, 10 तक तो सब लोगों ने पढ़ा है ना 10 तक तो सब लोगों ने पढ़ा है, मैं 11 12 का पूछ रहा हूं। ठीक है, तो मोनेरा जो होता है, मोनेरा का एग्जांपल होता है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है मोनेरा का, क्या है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एक ही सेल है सिर्फ। ठीक है, मैं स्क्रीन को और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू। यस, ठीक है, सी ये है जो, ये जो डायग्राम है जो दिख रहा है ऊपर में, दिस इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है मतलब सिंगल सेल होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब जो आपको पानी में मिलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा का एग्जांपल्स होता है यूग्लेना, प्रोटोजोआ और एमीबा। एमीबा यहां पे है देखो, ये वाला एमीबा है जो मैंने रेड से टिक किया है, दिस इज योर एमीबा। ठीक है, ये हो गया एमीबा, ये हो गया पैरामेशियम, ये हो गया यूग्लेना, और एक एग्जांपल है प्रोफोजोआ नहीं है ये, जस्ट टू बी क्लियर। ये जो है ना इसका स्पेलिंग शायद थोड़ा सा गलत हो गया, जस्ट गिव मी वन मिनट। ये है एक्चुअली प्रो, अरे प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यूग्लेना, प्रोटोजोआ एटसेट्रा, ये सब होता है एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, अभी तक हम लोग छोटे स्टेज में है, जस्ट वी हैव लर्न्ड कि पांच टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमेलिया। ठीक है, उसमें मोनेरा का एग्जाम्पल देख लिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का देख लिया, यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में मिलता है, एग्जाम्पल्स है यूग्लेना, प्रोटोजोआ, ये देखो पैरामेशियम, एमीबा। उसके बाद आता है फंजाई। टेल मी वन एग्जांपल ऑफ फंजाई, बताओ।
एक एग्जांपल बताओ जो फंजाई है, यू शुड नो आई थिंक। एक ऐसा फंजाई है जिसको हम लोग खाते भी है, बताओ। यीस्ट, एल्गी। यीस्ट और एल्गी को तो हम लोग खाते नहीं है ना। मशरूम, वेरी गुड। मशरूम और स्पेलिंग MN है, MU है, MUSH। ठीक है, मशरूम। मशरूम सबसे कॉमन एग्जांपल है। मशरूम एक फंजाई है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में उगता है। देखो सेकंड पॉइंट देखिए। ओ हेलो, अभी ठीक है ना? ये गूगल गूगल मीट थोड़ा टाइम के लिए देता है क्या? ओके सी, साइनोबैक्टीरिया और ये प्रोटिस्टा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फंजाई, तो फंजाई जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे कि मशरूम, आपको पता होगा कि मशरूम लोग इसीलिए नहीं खाते हैं, मैक्सिमम लोग, मतलब मेनी पीपल ईट, इवन आई ईट मशरूम, बट देर आर मेनी पीपल जिन लोगों को मशरूम इसीलिए नहीं पसंद है बिकॉज इट इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, बट मशरूम का जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना, वो बहुत है, आपको पता है ये चीज।
एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए मशरूम इज वेरी मच बेनिफिशियल, ठीक है, मशरूम का हेल्थ बेनिफिट्स आर वे टू मच। सो मशरूम एक ऐसा फंजाई है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, बाकी आप लोगों ने बोला ईस्ट एल्गे, ठीक है। मेरा वॉइस नहीं आने से मुझे एक बार बोल दीजिए, ठीक है। ओके सो ये हमने पढ़ लिया, फाइव किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे, एनिमेलिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल के अंदर। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो बॉडी बना हुआ है, ह्यूमन का, एनिमल का, एनी प्लांट, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है, दैट इज ए सेल। जो सबसे छोटा यूनिट है, ये आपको पता है ना, सबसे छोटा यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल को डिस्कवर किसने किया था? इट इज इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम लिख लीजिए, ROBERT, रॉबर्ट, HOOKE, ठीक है। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द स्पेलिंग, स्पेलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सो राइट द नेम, बिकॉज माई हैंड राइटिंग इज टू बैड, आप लोग को हर एक चीज समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है, प्लीज राइट डाउन द स्पेलिंग, रॉबर्ट हुक। तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में, 1665। ओके नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सी वॉट एवर नोट्स, जितना नोट्स मैं दे रहा हूं आपको, आप आसाम पुलिस एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, इसको पूरा रट लेना, एकदम पूरा फुल मेमोराइज कर लेना, ठीक है। और मैं जो नहीं दे रहा हूं वो नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करके ये बनाया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके सो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग सेल बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक एंड स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। कौन मुझे बोल सकता है न्यूरॉन कहां पे रहता है? बोलो, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहां पे रहता है? ब्रेन में, वेरी गुड, यस, न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन में रहता है, ठीक है। और बिगेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। अंडा को क्यों सेल बोलते हैं, वी विल ग्रेजुअली नो, अभी नहीं चाहिए, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि अंडा क्यों सेल होता है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट सेल इज ए माइक्रोप्लाज्मा, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल जो है न्यूरॉन है, और बिगेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग। ओके फिर आते हैं हम लोग सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइडेन एंड श्वान, राइट डाउन द नेम्स। सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? इट वॉज प्रपोज बाय स्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है, स्लाइडेन एंड श्वान। एम आई गोइंग टू फास्ट? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, ऑल ओके सर, ठीक है ना, ओके। तो इन लोगों ने बनाया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन लोगों ने डिवाइड किया था सेल्स को टू टाइप में, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहां पे इसका मीनिंग समझने के लिए, यू माइट फॉरगेट सो यू रिमेंबर लाइक दैट, जस्ट वन मिनट, ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट। सी प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो मतलब पुराना, पी से पुराना, तो प्रो मतलब होता है पुराना, मतलब जो सेल्स पहले थे। यूकैरियोटिक मतलब जो अभी सेल्स है, मतलब जैसे हम लोग, वी ह्यूमन बींग्स आर न्यू बींग्स, हमारे पहले भी बहुत सारे सेल्स, लोग क्या बोलो, ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंगल सेल थे, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल, सॉरी, प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड, जो पुराना टाइप के सेल्स है वो, यूकैरियोटिक मतलब जो न्यू टाइप के सेल्स है वो। ओके यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आप लोग डिफरेंस देख लो। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो इनकम्प्लीट सेल होता है, क्यों? इस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, यू राइट दिस पॉइंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एन इनकम्प्लीट सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कंप्लीट सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल सेल साइज होता है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है. व्हाट इज क्रोमोसोम? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी. यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है एमीबा. राइट दिस डिफरेंस एंड टेल मी डन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. हो गया ना? वेरी नाइस. ओके, नाउ यू सी कहाँ गया बैक्टीरिया और एमीबा. बैक्टीरिया का डायग्राम है क्या यहाँ पे? डायग्राम तो नहीं है बाबू. ओके सी, देखो आप लोग ये देखो, ये जो डायग्राम आप अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये एमीबा है. एमीबा वी हैव स्टडीड, इट इज एन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस. वेट, लेट मी यूज ए स्मॉलर शेड. अरे भाई, ये जो पार्ट है ना सेल का, ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें होगा वो यूकैरियोटिक होगा, जैसे कि एमीबा. एक बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का मेन पार्ट होता है. न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ ए सेल. ठीक है, तो ये है बेसिक एग्जांपल जो कि आपका इसमें आएगा, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक पुराना टाइप का सेल है, इनकम्प्लीट सेल है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है. यूकैरियोटिक नया है, मतलब नया मतलब क्या, जो आजकल जो मॉडिफाइड सेल है थोड़ा, तो कंप्लीट सेल है. प्रोकैरियोटिक छोटा होगा, यूकैरियोटिक बड़ा होगा. प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होगा, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा. प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक के एग्जांपल है एमीबा. नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? सो यू हैव टू नो व्हाट इज क्रोमोसोम, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. सी, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सपोज एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर ऐसा ऐसा स्ट्रैंड्स रहता है, ऐसा ऐसा. These things are called as chromosomes. ठीक है, देखो मैं जो टेबलेट को ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है सिर्फ, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट. ठीक है, थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर लेना आप लोग. ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियस. ये जो है, ये सेल का एक न्यूक्लियस है. सेल का न्यूक्लियस, ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसा ऐसा रहता है, ये ऐसा स्ट्रैंड्स जैसा, दिस इज द क्रोमोसोम. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होगा, यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी हम लोग सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं और भी चीज में. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो ठीक है, लेकिन हम लोग सेल को और भी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे कि सेल्स होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब जिनका जिन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है, जैसे कि एमीबा. एमीबा में एक ही सेल है, बैक्टीरिया में भी एक ही सेल है, लेकिन एमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, बताइए. एमीबा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? टेल मी, लेट्स सी हाउ मच यू आर फोकस्ड इन द क्लास. यूकैरियोटिक और एमीबा प्रो है. वेरी गुड, एमीबा प्रो है, यूकैरियोटिक नहीं है. यूकैरियोटिक है, आप लोग थोड़ा सा याद रखो. सी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, जो पुराना है वो प्रोकैरियोटिक है. एमीबा नया है, वो यूकैरियोटिक है. ठीक है, एमीबा यूकैरियोटिक है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बट दोनों ही यूनिसेलुलर है. सो ये यूनिसेलुलर मतलब ये सेल का काउंट में डिपेंड करता है. अगर आपका एक ही सेल है तो आप यूनिसेलुलर हो, अगर आपका बहुत सारा सेल्स होगा तो आप मल्टीसेलुलर हो. मल्टीसेलुलर जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, कैट्स डॉग्स, सारा मल्टीसेलुलर है. हमारा ब्रेन के लिए अलग सेल्स है, ब्रेन सेल्स, हम ब्रेन से सोच सकते हैं. हमारा देखने के लिए अलग सेल्स है. ठीक है, फील करने के लिए अलग सेल्स है. खाने का अलग सेल्स, मतलब खाना जो जमा होता है उसके लिए अलग सेल्स है. ब्लड सेल्स हमारा अलग है.
डॉग और कैट का भी वैसा ही होता है, डॉग का भी ब्लड सेल्स अलग है, डॉग का दिमाग नहीं है लेकिन सेल्स तो है ना, ठीक है। और एमीबा का भी, एमीबा और बैक्टीरिया का एक ही सेल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है ना? और एवरीथिंग इज गोइंग लाइक ए बाउंसर, एस बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है आई थिंक, थोड़ा थोड़ा पक्का ना, नहीं आने से बोलना ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आने से पूछ लेना। आप लोग फर्स्ट टाइम जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप लोगों का तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, सो यू आस्क मी, ठीक है, कुछ भी है तो। तो सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में अगर क्लासिफाई किया, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल, ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक सेल होता है, देखो दिस इज द फोटो ऑफ ए सेल, ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। आपको डायग्राम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं जितना थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ जस्ट यू रिमेम्बर दैट मच। डायग्राम वगैरह में दिमाग नहीं मारना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, जितना चाहिए उतना पढ़ो, हो जाएगा खत्म, ठीक है। सी, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये होता है डायग्राम। अभी मैं दिखाता हूँ कि डायग्राम में सेल के अंदर क्या क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस, मैंने आपको बोला था, देखो सी, जो जो पार्ट में अभी सर्कल कर रहा हूं, दिस इज द न्यूक्लियस, ये पूरा चीज न्यूक्लियस है। ये जो अंदर जो एक एक अंडा जैसा दिख रहा है ना, छोटा येलो वाला, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। मैं उसका स्पेलिंग लिख देता हूँ चैट में, इफ यू वांट यू कैन राइट, एंड इफ यू डोंट वांट यू डोंट हैव टू राइट। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो सेल है, ये पूरा सेल है जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस वन, दिस इज द सेल। ये जो बाहर का जो सेल का कवरिंग है, ये जो जो मैं शेड ब्लैक शेड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल को प्रोटेक्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन। इट्स जो आपको समझ में आता है ना, मतलब उससे समझ में आ जाएगा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो जो वर्ड है उससे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा ही है मेम्ब्रेन, सी दिस इज द मेम्ब्रेन, ये जो कवरिंग है दिस इज द मेम्ब्रेन। अंदर वाला जो सामान है वो न्यूक्लियस है, और जो अंदर जो अंडा जैसा दिख रहा है छोटा, ऑमलेट जैसा, ये ऑमलेट का नाम है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ओके। नाउ यू सी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब कौन मुझे बता सकता है, एनीवन, इफ यू हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबल, देन इट देन ऑल्सो इट इज ओके। परमिएबल और मीनिंग की है, बोलो, यू डोंट नो, ओके। सी परमिएबल मतलब परमिशन, सेमी परमिएबल मतलब आधा, मतलब आधा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा परमिशन। इसका मीनिंग क्या है ना, कि कोई भी सेल का अंदर, इपर हिपर जाबो पड़ा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, माने कोई भी सेल का अंदर जो मेम्ब्रेन है ना, वो हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप एक सपोज यू हैव सम चिकन, आप चिकन खाते हैं, तो आपका जो सेल है ना, वो तो सिर्फ प्रोटीन को ही एब्जॉर्ब करेगा ना, वो सिर्फ प्रोटीन को ही एब्जॉर्ब करेगा चिकन का। चिकन में जो फैट्स है उसको सेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो तो बॉडी फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल जो होगा, उसका जो मेम्ब्रेन होगा, वो हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देगा, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा ना। अगर वो प्रोटीन्स ले रहा है तो वो प्रोटीन्स लेगा। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हाई प्रोटीन का खाना खाओ, सो दैट द प्रोटीन्स गो इनसाइड योर सेल, जिससे आपका सेल का हेल्थ मेंटेन होगा। और सेल अगर हेल्दी होगा तो आपको बॉडी हेल्दी होगा, फंक्शन अच्छा होगा। ये बात समझ लो ध्यान से। सो इट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो हर एक चीज को अलाउ नहीं करता है, उसको पता है कि कौन सा चीज सेल के लिए बेनिफिशियल है, वो उसको ही अलाउ करेगा, बाकी चीजों को अलाउ नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। सेल मेम्ब्रेन बनता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से। यू राइट दिस थिंग, सेल मेम्ब्रेन बनता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्लीज राइट दिस थिंग।
सेल मेम्ब्रेन क्यों सेमी परमिएबल है, आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं तो हर एक चीज को अगर अंदर जाने देते रहेगा तब तो जो इंसान ड्रिंक करता है, जो इंसान दारू पीता है, वो तो दो दिन में मर जाएगा ना। आ रहा है ना आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? वो तो दो दिन में मर जाएगा, उसका तो सेल्स इनिशियली डैमेज, ऐसे ही डैमेज हो जाना चाहिए। अगर सारा एल्कोहल अगर सेल्स में चला गया तब तो वो मर जाना चाहिए ना। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी ऐसे बना है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन अगर आप एक चीज एक्सट्रीम करोगे तो फिर वो तो वो हो जाएगा ना, आपका सेल मेम्ब्रेन आपका वो थोड़ी ना, वो लोहा का थोड़ी है, अल्टीमेटली वो जवाब दे देगा, ठीक है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की नेक्स्ट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये वाला चीज, ये जो मैं आउटर ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एनिमल में ये हो गया, प्लांट में ये हो गया। मैं ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, वो डायग्राम थोड़ा खराब लगेगा। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मेन पार्ट है सेल का, ठीक है, जहां पे सेल का मेन एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। सेल का जो एनर्जी होगा, एक सेल जितना टाइम जिएगा, एक सेल क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका हेल्थ कैसा रहेगा, उसका वो कैसा रहेगा, दैट इज बेस्ड ऑन दैट डिपेंड्स ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये देखो राइबोसोम्स, ये रहा, ये देखो ये जो ऐसे ब्लू ब्लू बना हुआ है ना प्लांट में, ये वाला, ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रैंड्स बना हुआ है, दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पे एनिमल में ग्रीन ग्रीन जो बना है, दिस इज द राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, ठीक है। एवरी सेल विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू फंक्शन, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस सेल अपने आप कर लेता है। तो वो करता है कौन? वो करता है सेल का राइबोसोम, ठीक है। ओके, राइबोसोम के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? वो होता है डस्टबिन ऑफ द सेल। डस्टबिन का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज मान लो कोई सेल है, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। जैसे कि सपोज ये सेल है, ये आपका कोई सेल है, सपोज ये आपका ब्रेन का कोई सेल है, ब्रेन सेल है सपोज, ये सेल में ये होगा लाइसोसोम होगा, ठीक है, ये सेल में लाइसोसोम होगा और भी कुछ कुछ होगा, ये न्यूक्लियस वगैरह तो होगा ही, राइबोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो जब ये सेल, सपोज ये ब्रेन सेल है, ये वाला सेल जो होगा ना, ये अगर खराब हो जाता है, सपोज आपका ब्रेन सेल खराब हो गया ड्यू टू सम डिजीज और एनीथिंग, तो जब आपका ब्रेन सेल खराब हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम है, सेल खराब होना मतलब सेल में बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ कुछ खराब चीज हो जाएगा। तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये सारा सेल का जो खराब चीज सब है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ये खत्म हो जाएगा, तो सेल फिर टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा राइबोसोम, सॉरी अल्टीमेटली बचेगा लाइसोसोम। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल, ठीक है। जब भी सेल डिस्ट्रॉय होता है, आपका कुछ चीज खराब होने से आप डस्टबिन में फेंकते हैं ना, तो वही चीज है ये डस्टबिन ऑफ द सेल। वाई? क्योंकि जब सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हर एक चीज लाइसोसोम में ही जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। चलो देखो, बायोलॉजी है 100% समझ में नहीं आएगा। एंड आई रिमेम्बर हमारा एक टीचर, एक फैकल्टी थी इन माय स्कूल, ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, हमने 11 12 में उनसे बायोलॉजी पढ़ा था। एक मैम थी डीपीएस में, तो उनका जो बायोलॉजी पढ़ाने का स्टाइल था ना, मतलब सी बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब उतना समझने का कुछ नहीं, इट इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स और समथिंग, जो है वो है बस, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। सो उन्होंने बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया था कि आई रिमेम्बर सम ऑफ द थिंग्स। ओके, सो वही चीज है, अभी आई कैन नॉट टीच लाइक हर, सो मैं बायोलॉजी का टीचर भी नहीं हूँ। सो जो भी है, आप लोग यू ट्राई टू मतलब टेक इट, ठीक है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड अगर प्रॉब्लम होता है यू आस्क मी। साइंस बेबी, सो कुड यू प्लीज गो अ बिट स्लोअर? ओके ओके ओके, आई विल गो स्लो। चलो
नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो है जो किचन ऑफ द सेल है। किचन ऑफ द सेल मतलब जहां पे खाना बनता है। आप लोग मुझे बताओ एक चीज, इफ यू नो, कैन वी ह्यूमन बींग्स मेक आवर ओन फूड इनसाइड आवर बॉडी? हम लोग बना सकते हैं क्या? यस और नो? हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते? कौन बना सकता है फिर? हु कैन मेक? कौन बना सकता है? प्लांट्स, वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। ये देखो, ये प्लांट सेल है, यहां पे देखो क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल में नहीं है देखो, ठीक है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये ग्रीन वाला क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है, बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये होता है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सबको पता है, न्यूक्लियस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स न्यूक्लियस से ही होता है, ठीक है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, बट कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। पूछ सकता है क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। देखो आपका जो एग्जाम है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या एग्जाम दोगे? एसएससी सीजीएल दोगे ना, जहां पे बायोलॉजी आएगा। आप यूपीएससी दोगे तो वो मुझे नहीं पता, यूपीएससी तो मैं आपको उस लेवल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो जो है एसएससी सीजीएल के लिए बायोलॉजी इट इज मोर देन इनफ। सो अभी आप उससे आसाम पुलिस वगैरह दोगे तो इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। सो डोंट गो डीप इन टू द सब्जेक्ट कि एकदम पूरा एकदम छाट के पढ़ना है, नहीं। जो जितना है थ्योरी उतना पढ़ो, समझ लो थोड़ा बहुत, फिर गोली मारो निकालो, ठीक है। तो फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि वो खाना खुद बना सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल। अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। नाउ यू टेल मी, आप लोगों को एनी कुछ डाउट है क्या? बताओ, इसमें कुछ भी डाउट है तो बोलो। यू कैन सी इट, इफ एनीथिंग यू वॉन्ट मी टू रिपीट टेल मी। एनीथिंग? ओके, मैं एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जहां पे लिनाओ ने दो टाइप से क्लासिफाई किया था, प्लांटे और एनिमेलिया। लिनाओ को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो व्हाइट टेकर ने दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या क्या हिसाब से डिवाइड हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मोनेरा का एग्जाम्पल्स हमने देखा, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का यूग्लेना, प्रोटोजोआ, पेडेमेशियम एंड एमीबा। नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब ये फंजाई है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ, ये आपको समझ में आ जाएगा ना। सी दिस, ये जो पहला डायग्राम है ये मोनेरा है, ये मोनेरा है, ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा। अरे यार, ओके, एंड द थर्ड वन इज फंजाई। ये फंजाई है, ठीक है, यू मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि सेल कैसे होता है, सेल का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, स्टडी ऑफ सेल वगैरह ये सब। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, यूकैरियोटिक मतलब जो थोड़ा सा मॉडिफाइड सेल है। एग्जांपल्स देखा, सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है, समझा, और एक सेल के अंदर क्या क्या होता है वो सब देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यू मार्क इसको, स्टार मार्क करो इसको, दो तीन बार पढ़ो, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लेते देता हूं इधर। सी जेनेटिक्स में क्या होता है, हेरिडिटेरी मतलब, हेरिडिटेरी मतलब जैसे हम लोग अपने पापा के बाद हम लोग आए, मेरा जो पापा होगा वो मेरे ग्रैंडफादर के बाद आए, मेरे ग्रैंडफादर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद आए, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद आए। तो ये जो सिस्टम चल रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे लोग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर मेंडल, रिमेंबर दिस, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? उनका नाम है ग्रेगर मेंडल। इन्होंने एक रिसर्च किया था, वो क्या रिसर्च किया था आई विल टेल यू, ठीक है। इन्होंने जो रिसर्च किया था उसके वजह से इनको बोलते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ओके। इन्होंने रिसर्च क्या किया था, मेंडल ने क्या किया था, पीस पता है ना आपको, पीस, पीस को हिंदी और असमीज में क्या बोलते हैं, पीस, पीस, पीस माने ए टू स्पेलिंग, ए टू, या असमिया और हिंदी की बोली कह मोटर 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 सॉरी सॉरी मैं निजे जानी बोलो कि नहीं मन, ठीक है से मोटर। देखो उन्होंने क्या किया था, पीस से एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मतलब उन्होंने उन्होंने स्टडी किया था, सॉरी उन्होंने स्टडी किया था पीस से, कि मतलब कैसे अगर दो पी अगर वो करता है, मतलब अगर क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका जो वो होता है ना, उसका जो साइकिल होता है वो कैसा होता है, उसने उसका स्टडी किया था मेंडल ने, तो उन इसीलिए इसको इनको बोलते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो अभी एक चीज देख लो आप लोग, हमने अभी तक पढ़ा ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, जस्ट नाउ वी स्टडीड, ये सपोज एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम होगा ना, ये क्रोमोसोम में ऐसा 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 लॉक्स जैसा कुछ कुछ चीज रहता है, लाइक दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इन चीजों को हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। इन चीजों को हम लोग बोलते हैं जीन्स, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है जीन्स। जीन्स किससे बनता है? जीन्स बनता है न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए आरएनए क्रोमोसोमर भीतर, डीएनए माने डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जीन्स जो होता है, जीन्स के अंदर, जीन्स आर मेड ऑफ दिस थिंग न्यूक्लिक एसिड। सो हमारे हमारे पास डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, बट दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस टू मच बायोलॉजी, उतना नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट ऊपर ऊपर से समझो, इट इज इनफ, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा, यू विल फील लाइक लिविंग द क्लास, सो वो छोड़ो, ठीक है। सो बेसिक समझो, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम में होता है जीन्स, ठीक है, ओके। सो जीन्स दो टाइप का होता है, सी, एक होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है? डोमिनेंट जीन मतलब सपोज आप एक टॉल इंसान है, सपोज, अच्छा ये देखो, यहां पे मैंने ये बनाया था न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, यहां पे ऑलरेडी ये बनाया जीन्स, ये वाला देख लेना, ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज वन क्रोमोसोम, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मैं एक चीज समझा देता हूं, देखो जीन्स जो होता है ना, इनिशियली मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां पे ना सिर्फ दो जीन्स था, मतलब सपोज मैं ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, बिकॉज देयर इज लेस स्पेस, आप लोग समझ जाओगे, डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है यहां पे, क्या हो गया ये, ओ शिट, प्लांट एनिमल सेल वाला भी मिट गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो मैं आपको बाद में डाल के दे दूंगा। सी, मेंडल ने जो स्टडी किया था ना,
मेंडल ने जो स्टडी किया था वो पीस के ऊपर किया था, पीस। पीस का साइंटिफिक नेम याद रख लेना आप लोग, इट इज इंपॉर्टेंट। पीस का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, यू रिमेंबर दिस, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस, पीस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पाइसम सेटाइवम। ओके, तो मेंडल ने जो स्टडी किया था उसके बेसिस में मेंडल ने बोला था कि हमेशा दो जीन साथ में रहता है, हमेशा दो जीन साथ में रहता है। सपोज वी आर, सपोज वी टॉक अबाउट द जीन फॉर टॉलनेस, लंबा होने का जो जीन्स है, ठीक है, आपको पता है ना ये चीज, जीन्स, जीन्स हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है, जो यू नो दिस थिंग नो, इतना तो बेसिक्स आई एक्सपेक्ट यू नो। ये पता है ना आपको, इफ यू डोंट नो, ये नहीं पता है कि एक आदमी का कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं मतलब जो उसका ट्रेट्स होता है, जो लंबा है छोटा है मोटा है, वो सब जीन से डिसाइड होता है, ये पता है ना आप लोगों को। अगर पता नहीं है तो ये तो बेसिक्स है, ठीक है। एक आदमी जैसा कैरेक्टर होता है मतलब उसका, ठीक है, अभी जैसे उसका दाढ़ी होता है, ये क्या होता है, उसका दाढ़ी होगा या वो लंबा होगा या वो छोटा होगा, वो सब, दीज ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द जीन्स, ठीक है। तो मेंडल के हिसाब से, मेंडल ने क्या बोला था कि अगर जीन फॉर टॉलनेस को कंसिडर करे तो उसने बोला था कि हमेशा दो जीन साथ में रहता है। मतलब अगर एक इंसान टॉलनेस का अगर जीन्स कंसिडर करे तो टॉलनेस का जीन्स दो होगा, एक होगा कैपिटल टी जो है टॉल, और एक होगा स्मॉल टी जो है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब पता है ना आपको, छोटा। तो कैपिटल टी मतलब टॉल, ये जो कैपिटल टी है इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन मतलब जो जीन किसी के साथ भी आए, एक कॉम्बिनेशन जब बनेगा दो जीन का, उसमें दो जीन आ सकता है। देखो यहां पे दो जीन आ सकता है, टी आ सकता है और कैपिटल टी, दोनों पता है, हो सकता है कि दोनों ही कैपिटल टी आए, ठीक है। ये देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज दिस, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, डोंट थिंक लाइक दैट। जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो, ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट इज, इतना बायोलॉजी इनिशियली बेसिक से आई कैनॉट मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मतलब उसने, मेंडल ने क्या बोला था कि जीन्स जो होता है ना एक इंसान में हमेशा एक साथ रहता है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो न्यूक्लिक एसिड हमेशा ऐसा ऐसा हेलिक्स शेप में रहता है। डू यू रिमेंबर दिस, एने के थके होता है, ऐसे रहता है हेलिक्स में, तो इधर एक जीन रहता है, इधर एक जीन रहता है, ये पता है ना आप लोगों को, जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है उन लोगों को ये पता होगा, ठीक है। सी, सो क्या होता है, जीन फॉर टॉलनेस जो होता है, मतलब सपोज कोई इंसान टॉल है तो हो सकता है कि उसका जो जीन है दोनों, उसका टी और टी ये दोनों है, ठीक है, उसका दो जीन है कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी है, ओके। तो इसका मतलब उसका दोनों जीन डोमिनेंट जीन है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तब वो टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, वो इंसान टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, टेल मी, इफ एनीवन नोस देन टेल मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर उसका एक एक जीन कैपिटल टी है और दूसरा जीन स्मॉल टी का है तो वो इंसान टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, टॉल होगा, वेरी गुड, तो वो इंसान टॉल होगा, बिकॉज जो कैपिटल टी है ना दैट इज द डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन जो होता है वो किसी भी जीन के साथ आ जाए वो अपना जो मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो हमेशा शो करेगा, यही है डोमिनेंट जीन। देखो डोमिनेंट जीन जो है वो हमेशा अपना कैरेक्टर शो करेगा, वो चाहे किसी के साथ भी आ जाए। डोमिनेंट जीन था कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आने से भी वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, मतलब वो इंसान लंबा ही होगा। अगर ऐसा होता है कि दोनों स्मॉल टी है, दोनों रिसेसिव है, तभी रिसेसिव जीन अपना कैरेक्टर शो करेगा और तभी वो इंसान छोटा होगा, ड्वार्फ, ठीक है। सिंपल बात है, अगर दोनों जीन का दोनों जीन बड़ा डोमिनेंट जीन है तब तो डोमिनेंट ही होगा, वो इंसान टॉल ही होगा, टॉल ही होगा। अगर एक जीन डोमिनेंट है दूसरा जीन रिसेसिव है तो तभी भी वो इंसान टॉल होगा, बिकॉज डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को सप्रेस कर देगा, और अगर
दोनों जीन अगर छोटा है मतलब रिसेसिव है तब तो नॉर्मल बात है कि वो इंसान ड्वार्फ होगा। ठीक है चलो ओके। सो सी ये मैंने लिखा था टी कैपिटल टी इज द जीन फॉर टॉलनेस स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस। ये देखो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है तो इंसान टॉल होगा बिकॉज द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और अगर स्मॉल टी आ जाता है तो शॉर्ट होगा इंसान बिकॉज रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। ओके ये मैंने यहां पे लिख दिया कैपिटल टी का टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल। ठीक है ओके। नाउ थिंग इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी देखो सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मैं ह्यूमंस का बात करेंगे, ठीक है डायरेक्टली ह्यूमंस का बात करेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड। देखो हमारे पास मैंने आपको बोला था ना ये एक सेल होता है इसमें क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है सॉरी न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होता है। तो अब एक बात है कि कितना क्रोमोजोम होता है, कितना क्रोमोजोम होता है, देयर आर टोटल 46 क्रोमोजोम्स ह्यूमन में, 46 क्रोमोजोम्स होता है मतलब 23 पेयर्स होता है। ठीक है देयर आर ऑलवेज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोजोम्स, जिसमें 22 पेयर्स सब में सेम होता है। ठीक है मतलब सब में सेम मतलब जैसे इंसान का कोई कोई ट्रेट्स होगा ना, जैसे एक हाइट का ट्रेट हो गया, एक मोटा होने का ट्रेट हो गया, तो वो सारा ट्रेट जाता है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स में। ठीक है 23 पेयर्स है टोटल जिसमें 46 क्रोमोजोम्स है, उस 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो है वो ऑटोजोम्स है। ऑटोजोम्स जो होता है ना वो सब में कॉमन होता है, सब में सेम होगा ऑटोजोम्स। एक पेयर जो होता है वो अलग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है सेक्स क्रोमोजोम अलग होता है, सेक्स क्रोमोजोम के वजह से ही मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल और फीमेल का जो बॉडी अलग होता है वो सेक्स क्रोमोजोम की वजह से ही अलग होता है, बाकी जो 22 पेयर्स है वो सब में सेम है। ठीक है सेक्स क्रोमोजोम क्या क्या होता है, एक ही पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का, एक होता है XX और एक होता है XY। XX मतलब फीमेल और XY मतलब मेल। ठीक है मेल और फीमेल के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे ये वाला जो सेक्स क्रोमोजोम है वही डिसाइड करता है कि बच्चा जो होगा उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा। ठीक है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लो कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, 23 पेयर्स 46 क्रोमोजोम्स, जहां पे 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोजोम्स ऑटोजोम्स है, और जो बाकी पेयर है एक पेयर वो सेक्स क्रोमोजोम है। ठीक है तो जब जैसे कि फीमेल होता है XX और मेल होता है XY, तो मेल का दो क्रोमोजोम जो होता है वो X और Y होता है और फीमेल का X और X होता है। तो ये वाला देखो इफ ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइजेस एन एग, मेल का जो सेक्स वो होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, तो इफ ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइजेस एन एग कैरिंग एक्स क्रोमोजोम द चाइल्ड विल बी ए गर्ल। इसका मतलब क्या है, ये है फीमेल और ये है अपना मेल। फीमेल में होता है XX, मेल में होता है XY। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब दो चांस रहता है, हो सकता है कि कहां पे समझाओ देखो जस्ट वन मिनट ओके सी ये है X और ये है Y। ये कौन है, ये मेल है, ये है X, ये है Y, ये और एक एक्स, ये फीमेल है। ठीक है जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर मेल के स्पर्म से एक्स क्रोमोजोम आता है और फीमेल के एक्स से हमेशा एक्स ही आएगा तो XX हो जाएगा, तो जो चाइल्ड होगा वो एक गर्ल होगा। ठीक है और अगर मेल के स्पर्म से वाई क्रोमोजोम आता है और फीमेल के एक्स से एक्स क्रोमोजोम आता है तो पेयर बनेगा XY, तो जो चाइल्ड होगा वो एक बॉय होगा। नाउ यू टेल मी कि गर्ल और बॉय में कौन डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा बच्चा का, हु विल डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, कौन डिसाइड करता है बोलो, बॉय यस, मेल यस, मेल डिसाइड करता है।
मेल डिसाइड करता है, क्यों? क्योंकि मेल के पास एक्स वाई रहता है, फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही रहेगा, मेल के पास एक्स वाई रहता है, बट ये मेल के हाथ में नहीं रहता है कि क्या रहेगा, ठीक है? ये सब जो बकवास है ना, देर आर मेनी मेनी, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा मीथ है विमेन के अराउंड में, अभी भी इंडिया में बहुत जगह में ऐसा मीथ है कि कोई अगर लड़की होता है या लड़का होता है तो वो विमेन को बोलते हैं, ठीक है? सो बायोलॉजी के लिए वो बकवास बात है, किसी को ये सब किसी को नहीं पता है, ये लोग मतलब छोड़ो यार वो तो, ठीक है? सो विमेन आर बीइंग ब्लेम्ड कि अगर आपका, क्योंकि देर आर मेनी प्लेसेस जहां पे अभी भी लोगों को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, मेल चाइल्ड चाहिए, मतलब बॉय चाहिए, गर्ल्स नहीं चाहिए। सो अगर गर्ल होता है तो विमेन को ब्लेम करते हैं, तो उनको तो ऐसे भी कुछ नहीं पता है। सो अगर आपको आज से पता चल गया, इफ यू, अगर आपको पहले नहीं, पहले से पता था तो बढ़िया है, और अगर आज पता चला तो यू शुड नो दिस थिंग कि मेल विमेन का कोई हाथ नहीं होता है, विमेन के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना, वो कुछ नहीं कर सकते, मेल के पास होता है, ठीक है? मतलब मेल के पास होता है मतलब वो मेल का मर्जी नहीं है, आप अपना मर्जी से बॉय या गर्ल वो नहीं कर सकते, ठीक है? वो तो आपका जो पहले जाएगा वो उसमें वो होता है, ठीक है? लकी लक के हिसाब से होता है वो। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इफ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम अगर वाई एक्स के साथ मिल गया तो गर्ल होगा, और अगर वाई के स्पर्म में वाई है और एग में एक्स है तो बॉय हो जाएगा, ठीक है? चलो ये आया ना समझ में एवरीवन, ये तो आ गया शायद, सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया कि नहीं? यस, चलो ये वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा सा समझ लेना, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, जस्ट आप इतना समझ लो कि डोमिनेंट जीन क्या है, रिसेसिव जीन क्या है, और ये समझ लो कि जीन हमेशा पेयर में होता है। मैंने आपको समझा है ना, क्रोमोसोम भी हमेशा पेयर में होता है, क्रोमोसोम अगर पेयर में होगा तो जीन्स भी तो पेयर में ही होगा ना, क्योंकि जीन्स तो क्रोमोसोम में ही रहता है, ठीक है? ये समझ लो, व्हेन वी विल स्टडी ब्लड ग्रुप्स तब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है एक ह्यूमन बींग का, ठीक है? देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द ब्लड ग्रुप, एक अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आपका पापा और मम्मी का क्या क्या हो सकता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आप यूनिवर्सल डोनर है कि आप रिसीवर है, ये सब बाद में देखेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जीन्स है वो हमेशा पेयर में रहता है, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन मतलब जैसे कि पहले हम लोग एप्स थे, हम लोग बंदर से, अभी वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो स्टेजेस में हुआ है, हम लोग ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स इनिशियली पैदा हो गए। इवोल्यूशन आपको पता होगा क्या है, आपने बहुत बार ये सब चीज तो सुना ही होगा कि पहले एप्स थे फिर हम लोग होमो सेपियंस बने, बहुत ये सब बहुत है थ्योरीज ऑफ, गुड इवनिंग पॉम्पी, इवोल्यूशन के थ्योरीज आर मतलब बहुत सारा थ्योरी है, ठीक है? सो हम लोग को जो चाहिए एग्जाम के लिए वी विल स्टडी ओनली दैट, ठीक है? सो इवोल्यूशन फर्स्ट मोस्ट फेमस जो थ्योरी है इवोल्यूशन का, दैट इज द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था कि एक, सपोज मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो सपोज ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, सपोज फील्ड मतलब FIELD फील्ड, सपोज यहां पे गोट्स है, सपोज गोट्स है एंड देयर आर टाइगर्स आल्सो, और यहां पे सपोज और क्या है, सपोज काओ भी है, ठीक है? और यहां पे ग्रास भी है, ग्रास। तो डार्विन ने क्या बोला था कि गोट जो है वो ग्रास को खा लेगा, जिसके वजह से गोट सरवाइव करेगा, और काओ जो है वो भी ग्रास को खा लेगा, जिसके वजह से काओ सरवाइव करेगा, और जो टाइगर है वो दोनों को खा लेगा, जिसके वजह से टाइगर सरवाइव करेगा। मतलब डार्विन ने क्या बोला था कि हमेशा देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो वीक लोगों को खा लेगा और वही सरवाइव करेगा। डार्विन का थ्योरी ये था, उन्होंने ये बोला था कि जो स्ट्रांग कैरेक्टर्स नहीं, जो स्ट्रांग बींग्स है वो लोग अपने से वीक बींग्स को खा लेंगे,
और वो लोग सर्वाइव करेंगे। जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, गाहुड़ी खाते हैं, जो भी खाते हैं, हम लोग उनसे सुपेरियर है, इसीलिए हम लोग उन लोगों को खाते हैं। उन लोग से इन्फीरियर कोई और चीज होगा तो वो लोग उन लोगों को खाएंगे। नाउ यू कैनॉट टेल कि ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग क्यों वो खाते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसका एग्जाम्पल लू, हम लोग गोट्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि गोट्स भी तो ग्रास खा रहा है ना, तो ग्रास भी तो एक लिविंग बींग है ना, ठीक है, यू अंडरस्टैंड नो। ये डार्विन का थ्योरी था, मेरा थ्योरी नहीं है, डार्विन का थ्योरी था। डार्विन ने ऐसा बोला था कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा और वो अपने से इन्फीरियर लोगों को खा लेगा, ठीक है। ये डार्विन, ये सबसे पहले उसने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया था, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको जैसे सिलेक्ट किया है वो उस तरह से ही आगे बढ़ेगा। अगर नेचर ने आपको स्ट्रांग बनाया है तो आप वीक चीजों को खा लोगे, और अगर आपने नेचर ने अगर आपको वीक बनाया है तो आप किसी से खाए जाओगे, ठीक है। तो उस चीज को उसने अपने बुक में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अभी भी ये बुक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन का जितना भी बुक है ना सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने जितना सारा बुक लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सेशन में डिस्कस भी किया था, एक शायद यूट्यूब में एक सेशन है, मैं भूल गया, ठीक है। इसका मैं MCQ बनाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा वो सब। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये बुक किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने। ये वाला जो थ्योरी था ये आउटडेटेड था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ये था कि डार्विन ये नहीं समझा पाया कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो जो, जैसे कि सपोज डार्विन क्या नहीं समझा पाया पता है, देखो ये सब डोंट ट्राई टू मेमोराइज दिस, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी का नाम जानने से ही होता है बस। डार्विन क्या नहीं समझा पाया ना, डार्विन ये नहीं समझा पाया कि सपोज यहाँ पे एक टाइगर है, ये टाइगर वन है, ये टाइगर टू है, ये जो टाइगर वन है ये सपोज वीक है और ये जो टाइगर टू है सपोज ये स्ट्रांग है, और यहां पे एक एलिफेंट है, गुड इवनिंग बिबुंग, ये सपोज एक एलिफेंट है। तो डार्विन क्या नहीं समझा पाया कि टाइगर टू तो एलिफेंट को खा लेगा ना, टाइगर टू तो एलिफेंट को खा लेगा, लेकिन अगर टाइगर टू यहां पे नहीं होता, टाइगर टू अगर यहां पे नहीं होता तब जो एलिफेंट है वो तो टाइगर वन को अटैक कर देता ना, क्योंकि वो तो वीक है। तो डार्विन ये नहीं समझा पाया कि स्ट्रांग स्पीसीज को, जैसे कि टाइगर को हम कैसे कैसे बताओगे कि आप वो स्ट्रांग है कि वीक है, क्या पता एक टाइगर तो वीक भी पैदा हो सकता है ना, हो सकता है ना। मैंने ऐसा भी बियर देखा है पता है, मैंने बेंगलोर में एक जू में गया था, मैंने ऐसा भी बियर देखा है, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है और बकवास बियर है, ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही है मतलब, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। सो डार्विन वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ, मतलब अलग एक सिंगल स्पीसीज में अलग अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा आता है, ये डार्विन समझा नहीं पाया। तो ये उसका थ्योरी का लिमिटेशन था, छोड़ो ये सब बात। उसके वजह से अपडेटेड थ्योरी आया, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द थ्योरी, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अप टू इवोल्यूशन। आप लोग 2 मिनट्स रेस्ट कर लीजिए, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, देन वी विल स्टडी प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक प्लांट से फ्रूट कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक प्लांट से फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है, और फ्रूट से प्लांट कैसे बनता है। फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक अंडा आया था पहले या फिर एक मुर्गी आया था, ठीक है। आई विल जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स, थोड़ा सा रेस्ट ले लो।
ओके आई थिंक ये हमारा लास्ट पार्ट है कवर करने के लिए. लेट मी सी. हाँ, दिस इज आवर लास्ट पार्ट कि एक प्लांट से एक फ्रूट कैसे आता है. सी, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे. देखो, प्लांट्स दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिप्टोगेमी, एक होता है फेनेरोगेम्स. ठीक है, एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स मतलब प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब जिन प्लांट में सीड नहीं होता है. ऐसा भी प्लांट्स है जिसमें सीड्स नहीं होता है. सीड नहीं होगा तो फ्लावर नहीं होगा. ठीक है, सीड नहीं है मतलब फ्लावर नहीं है. ठीक है, तो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिप्टोगेमी और एक होता है फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स मतलब सीड्स और सॉरी क्रिप्टोगेम्स मतलब प्लांट्स विदाउट सीड्स और फेनेरोगेम्स मतलब प्लांट्स विद सीड्स. तो फेनेरोगेम्स फर्दर होता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिसमें फ्लावर आता है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिसमें फ्लावर नहीं आता है और एंजियोस्पर्म्स मतलब जिसमें फ्लावर आता है. ये जरूरी नहीं है कि सीड होने से भी फ्लावर आएगा, उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, दो टाइप का होता है, क्रिप्टोगेमी और एक होता है फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स मतलब प्लांट्स विदाउट सीड्स और फेनेरोगेम्स मतलब प्लांट्स विद सीड्स. तो विदाउट सीड में तो फ्लावर होगा ही नहीं, विद सीड में भी फ्लावर नहीं हो सकता है. ठीक है, उस बेसिस में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. उसके बाद हम देखेंगे कि सीड क्या है. सीड तो आपको पता होगा ना, सीड का मीनिंग तो समझाने का जरूरत नहीं है. मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं. ऐसा किडनी जैसा होता है सीड, इसमें दो पार्ट रहता है. ठीक है, ये पूरा सीड है. ठीक है, ये मैंने यहां पे दो सीड बनाया, मतलब एक्चुअली एक ही सीड है, मैंने उसको बीच में सिर्फ बाइसेक्ट करके बनाया. सी, दिस इज द बाइसेक्शन. ये एक ही सीड को मैंने तोड़ के बनाया. तोड़ के दिखा रहा हूं. ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूम्यूल. ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल. सिमिलरली ये होगा प्ल्यूम्यूल, ये होगा रेडिकल. ये जो बाकी पार्ट है ना, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, सॉरी, यहां पे खाना रहता है, खाना, फूड. दिस इज कॉल्ड कॉटिलेडोन. हो सकता है कि दो, एक सीड में दो कॉटिलेडोन है, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि दो कॉटिलेडोन है. दिस इज ऑल्सो ए कॉटिलेडोन. ऐसा हो सकता है कि सीड में दो कॉटिलेडोन्स है, देन वी विल कॉल इट ए डाइकॉटिलेडोन. और अगर एक कॉटिलेडन है, मतलब सपोज एक ही साइड है ये वाला, देन इट वी विल कॉल इट ए मोनोकॉटिलेडोन. प्ल्यूम्यूल क्या है, आपको पता होगा कि एक सीड से ही एक प्लांट बनता है. यू नो दिस नो, कि एक सीड से प्लांट बनता है, जो ये पता है ना आपको. प्लीज टेल मी, डू यू नो दिस? यस. ठीक है, ये पता है ना. तो एक सीड से ही एक प्लांट बनता है. ये जो प्ल्यूम्यूल है जो ऊपर में है ना, ये जमीन का ऊपर चला जाएगा. मतलब ये जो होता है, ये बनता है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं. ये देखो, ये जो प्ल्यूम्यूल है ना, ये जमीन का ऊपर चला जाएगा. ये यहां पे, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा शूट. और जो रेडिकल है, कहां गया ये जो रेडिकल है, ये नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा रूट. रूट पता है ना आपको, प्लांट के नीचे जो पार्ट रहता है. तो रेडिकल बनेगा रूट, ये वाला देखो, ये वाला जो रेडिकल है वो रेडिकल बनेगा रूट. और जो प्ल्यूम्यूल है वो प्ल्यूम्यूल बनेगा शूट. शूट मतलब जो ऊपर रहता है, शूट. ठीक है, प्ल्यूम्यूल बनेगा शूट,
रेडिकल बनेगा रूट, सिंपल चीज है कोटिलेडोन, बाकी चीज बनेगा वो जरूरत नहीं है क्या बनेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया ना सबको, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना आप लोगों को? आ गया ना? ये है सीड, सीड का दो पार्ट होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। जब एक सीड प्लांट बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट, रेडिकल बनेगा रूट मतलब नीचे वाला पार्ट। ठीक है, और खाना कहां पे रहता है, फूड कहां पे रहता है, कोटिलेडोन में। ठीक है, अभी सीड को हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर क्यों बोलते हैं वो देखो। देखो ये तो हो गया, मैंने आपको समझा दिया, प्लूम्यूल बनेगा शूट, रेडिकल बनेगा रूट। अभी देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड। ये लास्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सी ये एक फ्लावर है, ये वाला पार्ट जो मैंने जो मैं अभी ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, दिस वन, जहां से आप एक फ्लावर को नीचे से पकड़ते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल ये जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला जो मैं अभी ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। ये जो फ्लावर का जो ये होता है, जो रेड मतलब समझ गया ना, फ्लावर का जो क्या बोलते हैं इसको, जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एसएमईज में, पेटल को, ये वाला जो फ्लावर का मेन पार्ट, वो जो रेड वाला पार्ट है, जो पाही, ओ ये हो गया फ्लावर का पेटल। ठीक है, ओके, ये सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, स्टेमेन, ये वाला देखो, ये जो एंथर फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमेन, और ये वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये वाला, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन वाला बीच वाला पार्ट है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट है, और ये जो है, ये वाला जो मैं अभी ब्लैक से शेड कर रहा हूं, दिस इज द मेल पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कोई भी फ्लावर मेल या फीमेल नहीं होता है, उसमें दोनों ही रहता है। ठीक है, उसमें दोनों ही रहता है। नाउ नेक्स्ट, समझ में आ गया, ये ग्रीन वाला हो गया सेपल, रेड वाला हो गया पेटल, जहां से आप पकड़ोगे वो हो गया रिसेप्टेकल, और बाकी अदर पार्ट्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस वन इज मेल स्टेमेन, जिसमें होता है एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल ये फीमेल है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी होता है। नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। कैलिक्स जो होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं, मतलब जैसे ये फ्लावर है ना, इसमें बहुत सारा सेपल्स होगा, एक दो नहीं होगा, और भी होगा, उसका ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। सिमिलरली जो पेटल्स का जो ग्रुप है, ये वाला पेटल, ये उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला, जस्ट फॉर टर्मिनोलॉजी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद देखो फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, सी ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन का दो पार्ट है, ये फिलामेंट, ये एंथर, ये है मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, कार्पेल मतलब पिस्टिल, जो हमने पढ़ा था, दिस इज द फीमेल। ठीक है, टर्म्स बहुत है, यू वॉच द लेक्चर अगेन। ठीक है, मैं लेक्चर को आज आपको दे दूंगा और कल यूट्यूब में डाल दूंगा, प्लीज वॉच दिस। कार्पेल उसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी वॉल और ओव्यूल। ठीक है, चार चीज होता है, क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। ये मैं आपको थोड़ा सा एक पेज बना के समझाता हूँ, जस्ट वन मिनट। ठीक है, देखो पॉलिनेशन कैसे होता है वो चीज थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बोला ये स्टेमेन मतलब मेल वाला, तो स्टेमेन कैसा होता है, ये ऐसा एक लाठी जैसा होगा और यहां पे एक मशरूम जैसा होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, और ओवेरी में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मतलब ये कार्पेल पिस्टिल को नहीं बना रहा हूं, पिस्टिल आप लोग यहां से समझ जाएंगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और ये होता है फिलामेंट।
तो अगर आप इस एंथर को अगर आप थोड़ा सा मतलब खोल के देखोगे, तो ये अगर आप इसको ब्रेक करके देखोगे ना, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक, जिसमें डॉट डॉट रहता है। कोई बोल सकता है ये डॉट सब क्या है? एनीवन हु नोज दिस, एंथर में जो डॉट डॉट रहता है ये सब क्या है? पॉलेंस, वेरी गुड। दीज आर कॉल्ड द पॉलन ग्रेन्स, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है, फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स ही मेन रीजन है रिप्रोडक्शन का, पॉलन ग्रेन्स ही मेन रीजन है। पॉलन ग्रेन्स जो होगा ये मेल का जो पार्ट है, ये जैसे ये वाला, ये मेल का पार्ट में पॉलन ग्रेन्स होगा। ये पॉलन ग्रेन्स यहां से उड़ के यहां पे जाता है स्टिग्मा में। ये जो स्टिग्मा है ये एक स्टिकी स्ट्रक्चर है, स्टिकी मतलब चिपचिपा है ये, तो ये उसको होल्ड करके रखता है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम यहां पे एक ट्यूब बनता है, उस ट्यूब से ये पॉलन ग्रेन अंदर जाता है और यहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। फ्लावर में ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर है ना, देखो एक ही फ्लावर में है ना। देखो पॉलन ग्रेन यहां से उड़ के डायरेक्ट यहां जा सकता है, ठीक है ना? तो पॉलन ग्रेन्स यहां पे उड़ के डायरेक्ट यहां पे जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन्स यहां, अरे यार गया। ये हो गया पॉलन ग्रेन्स, ये यहां से डायरेक्ट स्टिग्मा में जाएगा। अभी वो डिपेंड करता है कि कैसे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे एक इंसेक्ट आया। देखो नेचर में ना हर एक चीज एक दूसरे के लिए है। आपको पता है, एनीवन कोई बोल सकता है कि जो फ्लावर का जो पेटल होता है उसमें अच्छा स्मेल क्यों होता है? एनीवन हु कैन टेल मी दिस, लेट्स सी इफ यू नो, व्हाई डज द पेटल हैव ए गुड स्मेल? यस, वेरी गुड। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। पेटल का जो स्मेल होता है ना वो अच्छा इसीलिए होता है ताकि इंसेक्ट्स आए। क्यों क्यों इंसेक्ट आएगा? इंसेक्ट जब आएगा वो स्टेमेन में अगर बैठेगा तो उसके हेल्प से पॉलन ग्रेन्स यहां पे चला जाएगा। उसके हेल्प से पॉलन ग्रेन्स यहां पे जाएगा तो उसके हेल्प से पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब आई मीन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए फ्लावर का जो स्मेल है वो इसीलिए होता है। सो देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ऐसे ही कुछ नहीं बना है, ठीक है? तो उसका स्मेल इसीलिए अच्छा होता है, सो दैट द इंसेक्ट कम्स हियर। इंसेक्ट जब आएगा फ्लावर पे थोड़ा टाइम बिताएगा तो उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स ठीक हो जाएंगे, और जब वो यहाँ पे जाएगा कार्पेल में या फिर दूसरा फ्लावर में जाएगा तो उसके हेल्प से पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है? मैं बार बार पॉलिनेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमेन टू कार्पेल। जो पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टेमेन से कार्पेल तक, उसका प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है अगर सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट में सपोज यहां पे एक फ्लावर है और यहां पे दूसरा फ्लावर है बट सेम प्लांट में है, देन इट विल बी कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अगर सेम प्लांट में पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है अगर अलग प्लांट में होता है, अगर प्लांट ही अलग है पूरा, ये फ्लावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? ओके, तो अभी पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा? देखो ये मैं आपको ये मिटा के समझाता हूं। सी, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा पता है? ये जैसे यहां पे उड़ के जब जाके पॉलिनेशन हो जाएगा ना, फिर यहां पे जाके ये जो ओवेरी है ना, ये जो ओवेरी का वॉल है ये वाला, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये है ओवेरी का वॉल पूरा। पॉलिनेशन होने के बाद ये जो ओवेरी का वॉल है ये पूरा टाइट हो जाता है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये अलग हो जाता है। मतलब अलग मतलब ये अलग कुछ बन जाता है और ये ऊपर वाला पार्ट अलग कुछ बन जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बन जाता है फ्रूट, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये बन जाता है सीड, ठीक है? तो एक फ्लावर से ही सीड बनता है,
एक फ्लावर से ही सीड बनता है, एक फ्लावर से ही दूसरा प्लांट बनता है, एक फ्लावर से ही दूसरा प्लांट बनता है। तो पॉलिनेशन के बाद ये जो ओवरी वॉल है ये टाइट होके फ्रूट बन जाता है और अंदर वाला चीज हो जाता है सीड। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड विद इन द ओव्यूल। एम्ब्रायो मतलब जो बेबी सीड है, बेबी सीड को हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड विद इन द ओव्यूल विच डेवलप्स इनटू सीड। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। बाकी जो पार्ट है फ्लावर का वो बिखर के गिर जाएगा और बाकी जो चीज है वो फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू लाइक द लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट मंडे को या फिर ट्यूजडे को, लेट मी सी, मंडे को ही करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।